कुछ रिसर्च सुमित ने इसी से जुड़ी हुई की है, हमारे साथ मौजूद है सुमित। सुमित बताइए, पिछले 15 दिनों में मार्केट के मूव में आपने क्या ऑब्जर्व किया और कहां सबसे ज्यादा रुझान या फिर एक्शन दिखा? देखिए सबसे पहले तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही 17% 16-17% के आसपास का मूव दे चुके हैं दो हफ्ते के दौरान। मिड कैप और निफ्टी बैंक ये भी मेजर परफॉर्मर है, स्पेशली मिड कैप 15% के आसपास का मूव यहाँ पर किया। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 20% का एक जंप लेकर गया इन दो हफ्तों की ड्यूरेशन, यानी 24 मार्च से लेकर अब तक। मेजरली परफॉर्म करने वाले तीन इंडस्ट्रीज थे, जैसे पहला नाम था एफएमसीजी का या फिर फार्मास्यूटिकल का, और बैंक्स और एनबीएफसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी। पहले फार्मास्यूटिकल स्पेस से लार्ज कैप में सिप्ला अच्छा परफॉर्म करके गया, ऑयल एंड गैस से बीपीसीएल करीब 30% यहाँ आया, एक्सिस बैंक इंडस्ट्रीड ओवरसोल्ड में थे स्ट्रॉन्ग पुल था करीब 30-35% का मूव यहाँ पर भी आ चुका है। सन फार्मा डॉक्टर रेड्डीज कुछ और ऐसे नाम है जो की अच्छी तेजी दिखा रही है, करीब 30% का मूव आया। एफएमसीजी स्पेस से एक्सलन नेस्ले ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जहाँ जो ऐसे स्टॉक थे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई, करीब करीब 25% से अलग मूव आता है दिखाई पड़ा। मिड कैप के लिए जो 15 दिन थे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है, स्पेशली छोटे छोटे सब सेक्टर जैसे केमिकल हिमाद्री स्पेशलिटी करीब करीब 72% का मूव 3 दिन से लगातार सर्किट, गुजरात अल्कली 60% का मूव यहाँ पर आ चुका है, चावल चीनी में से केआरपीएल 60%, चीनी से बलरामपुर चीनी 75%, ये लगातार ये चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी है सीएनबीसी आवास पर। एक अच्छी तेजी सभी स्टॉक्स में देखने को मिले, मिड कैप में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रही है और फ्रंट लाइन में फार्मा एफएमसीजी ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर गए। शुक्रिया सुमित डिटेल्स बताने के लिए। तो मिड कैप